चलो सुनो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ ह्यूमन सोसाइटीज हैव बिकम मोर इंटरलिंक्ड। ठीक है, थ्री सोर्सेस ऑफ इंटरलिंकेज, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में जब भी इंटरलिंकेज वाली कहानी आएगी तो तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें याद रखना है कि TTT PP, ठीक है, ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स, ट्रैवल्ड। क्यों ट्रैवल किए? नॉलेज, अपॉर्चुनिटी और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, और स्पिरिचुअल, ठीक है। TTT, सॉरी TTPP, POS, सॉरी KOS किया था हम लोगों ने विनयनगर पे, कि SOK किया था, SOK किया था। तो TT कौन था? ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स। क्यों जाते थे दूसरे देशों में? नॉलेज, अपॉर्चुनिटीज और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, ठीक है ना। अपने साथ ये क्या लेके जाते थे? गुड्स, मनी, वैल्यू, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशंस और जर्म्स। ठीक है, तो पहले के लिए क्या? TTPP, SOK। दूसरे के लिए क्या था? तुम लोग बोल रहे हो मिक्स, मनी, आइडियाज, इन्वेंशन, जर्म्स, स्किल्स। आ रही बात समझ में? और गुड्स, जी से जर्म्स और जी से गुड्स भी है ना, ठीक है। और कोस्टन ट्रेड जो था वो इंडस वैली को लिंक करता था, किससे? वेस्ट एशिया से। इंडिया में कॉरीज चलती थी, मतलब सीशेल्स होते थे जिसको हम लोग करेंसी के फॉर्म में यूज करते थे, है ना। खाना कैसे ट्रैवल होता था? तो हमने कहा कि सिर्फ ट्रेड और सॉरी नए क्रॉप्स की वजह से क्या होता था, खाना स्प्रेड नहीं होता था। ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स होते वो न्यू क्रॉप्स तो लाते ही लाते थे, बट बहुत बार अपने साथ रेडी फूड स्टफ भी लेकर आते थे टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एग्जाम्पल, जो नूडल्स था वो कहाँ गया? वेस्ट से, वेस्ट में आया चाइना से, और क्या बन गया? स्पैगेटी बन गया, ठीक है। अरब ट्रेडर्स जो थे वो पास्ता लेकर गए थे 5th सेंचुरी सिसिली इटली से, और इस तरीके से बहुत सारे फूड्स जो हैं जो इंडिया और जापान में अवेलेबल थे वो दूसरी जगह गए, और दूसरी जगह जो अवेलेबल थे वो हमारे यहाँ आए, ठीक है। हमारे मेजर कॉमन फूड्स जो हैं जैसे पटेटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टमाटोज, चिली, स्वीट पटेटोज, ठीक है ना। ये सब हमारे यहाँ कहाँ से आए थे? यूरोप और एशिया से आए थे, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाय क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। नए क्रॉप से लोगों की जिंदगी पे कैसे फर्क पड़ गया? तो हमने क्या, जब नए क्रॉप बहुत सारे देशों में आए तो उन नए क्रॉप पे डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोग अब इसके अलावा कुछ और नहीं खा पा रहे थे। एग्जाम्पल था इंट्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज इन यूरोप, क्योंकि यूरोप में बहुत ज्यादा गरीब थे तो वो दिन भर क्या खाते थे? पोटैटो खाते थे। और आयरलैंड में पुअर पीजेंस पोटैटोज पे इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए कि जब किसी डिजीज ने पटेटो के क्रॉप को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो लोग स्टार्वेशन से मर गए, ठीक है। 16th सेंचुरी के मेन फीचर्स कौन थे? प्री मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है ना। या फिर हाउ डिड इट चेंज विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट्स टू इंडिया, मतलब अमेरिका में जब तक सी रूट्स डिस्कवर नहीं हुए तब तक क्या चलता था, और डिस्कवरी होने के बाद क्या चलने लग गया? तो हमने कहा कि जब तक अमेरिका का रूट डेवलप नहीं हुआ था, सी रूट डेवलप नहीं हुआ था, तब तक सबसे ज्यादा ट्रेड कहाँ चलता था? इंडियन ओशन से चलता था, ठीक है। और बहुत ज्यादा एक्सचेंज होता था, गुड पीपल, नॉलेज, कस्टम, सारी चीजों का। आ रही बात समझ में? क्योंकि इंडिया ईस्ट और वेस्ट को मिलाने वाली, दोनों के एक बीच की कंट्री थी। आई बात समझ में? ठीक है, जब यूरोपियंस आए तो उन्होंने बहुत सारा ट्रेड कहाँ शिफ्ट कर दिया? यूरोप की तरफ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि 16th सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेवलर्स ने क्या करा था? सी रूट डिस्कवर कर लिया था एशिया का, और उन्होंने वेस्टर्न ओशन सक्सेसफुली क्रॉस करके कहाँ पहुंच गए थे? अमेरिका पहुंच गए थे, ठीक है। तो उन लोग को पता चला कि एक ऐसा देश है जिसका नाम क्या है? अमेरिका, जहां पर बहुत अबंडेंट क्रॉप है, बहुत अबंडेंट मिनरल्स है, और बहुत अबंडेंट लैंड है। आ रही है बात समझ में? वहां से उन्होंने को कौन कौन से मिली, क्या क्या चीजें मिली? प्रेशियस मेटल्स मिले सिल्वर से, है
ठीक है, पेरू और मेक्सिको से, जिनका इनका पैसा बहुत बढ़ गया, और क्योंकि इनका पैसा बहुत बढ़ गया तो ये अब अपना जो ट्रेड था वो पूरा इसी पैसे से क्या करते थे, फिनेंस करते थे। और इसके बाद अब इन्होंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, दूसरे देश जाएंगे, नए सी रूट ढूंढेंगे और अल डोराडो ढूंढेंगे, द फेबल सिटी ऑफ गोल्ड। यानी कि अब ट्रैवलिंग का पर्पस सिर्फ नॉलेज गेन करना नहीं रहा, अब इनको लगा कि हम लोग क्या करेंगे, नए लैंड ढूंढेंगे, उनको एक्सप्लोर करेंगे और वहां से पैसा कैसे बनाना है ये चीज समझेंगे। ये फेबल सिटी है, मतलब कहानियों में इंपॉर्टेंट। तीन तरह के मूवमेंट या फ्लोज होते थे इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंजेस में, पहला था ट्रेड, दूसरा था लेबर, तीसरा था क्या, कैपिटल। आ रही बात समझ में? ट्रेड मतलब गुड्स में ट्रेड करना, वीट, राइस, क्लोथ, कॉटन, है ना। लेबर मतलब माइग्रेशन होता था लोगों का एक देश से दूसरे देश इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और तीसरा कौन सा था, कैपिटल, यानी कि पैसा जाता था एक देश से दूसरे देश पे। जितने भी सारे फ्लोस थे ये क्या थे, इंटरवोवन थे, ठीक है। यानी कि लेबर से कैपिटल रिलेटेड था, कैपिटल से ट्रेड रिलेटेड था, सारी चीजें क्या थी, एक दूसरे से रिलेटेड थी। कभी कभी ये इंटरकनेक्शन क्या हो जाता था, टूट भी जाता था। और जो लेबर माइग्रेशन था उस पर रेस्ट्रिक्शन ज्यादा लगती थी इन कंपेरिजन टू गुड्स एंड कैपिटल्स। फिर इंपॉर्टेंट है क्या बेटा, कॉर्न लॉस, ठीक है। कॉर्न लॉस क्या थे, इनको अबॉलिश क्यों किया गया था, इनको अबॉलिश करने से क्या फर्क पड़ा था, और जब कॉर्न लॉस हटा दिए थे तो क्या फर्क पड़ा। आ रही है बात समझ में? तो चार क्वेश्चन है ये। पहली बात, जो कॉर्न लॉस थे उसमें क्या किया था कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बोला कि हम लोग अब कॉर्न इम्पोर्ट नहीं करेंगे। आ रही है बात समझ में? ब्रिटेन में पॉपुलेशन बढ़ रही थी, डिमांड बढ़ रही थी फूड ग्रेन्स की, अर्बन सेंटर्स एक्सपांड कर रहे थे, इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, इसलिए दिन पे दिन क्या हो रहा था, एग्रीकल्चरल गुड्स की डिमांड और प्राइसेस दोनों बढ़ रहे थे। आई बात समझ में? और इसीलिए इनको बहुत लगा क्या कि अब ब्रिटेन में अगर कॉर्न इम्पोर्ट नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सो द लैंडेड ग्रुप पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू रेस्ट्रिक्ट द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न। बोला अगर आप बाहर से कॉर्न कॉर्न इम्पोर्ट करोगे तो हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए आप क्या करो, कॉर्न लॉस क्या कर दो, करना बंद करो। कॉर्न लॉस जब अबॉलिश हुए, यानी कि कॉर्न लॉस जब स्क्रैप हो गए कि अब हम लोग कॉर्न क्या करेंगे, इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब कॉर्न लॉस इम्पोर्ट स्क्रैप हो गए तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, कॉर्न इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसे में जो इंग्लैंड के एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे वो लोग इतना सस्ता कॉर्न नहीं उगा पा रहे थे जितना सस्ता इंपोर्ट हो जा रहा था। आई बात समझ में? तो उनको लगा देखो हम कॉर्न उगाएंगे भी तो बहुत महंगा उगाएंगे, महंगा उगाएंगे तो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि इंपोर्टेड कॉर्न क्या आ रहा है, ज्यादा सस्ता आ रहा है। तो बहुत सारे वास्ट लैंड क्या थे, अनकल्टिवेटेड रह गए। अब इतना सारा लैंड अगर अनकल्टिवेटेड रह गया तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में लोग गांव से कहाँ भागने लग गए, शहर भागने लग गए, और शहर्स क्या, सिटीज जो थी वो क्या हो गई, बहुत ज्यादा ओवरक्राउडेड हो गई। आई बात समझ में? ठीक है। मिड 19वीं सेंचुरी में क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो लोगों की इनकम भी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, और इसलिए अब वो इम्पोर्ट और ज्यादा कौन क्या कर रहे थे, इम्पोर्ट कर रहे थे। और क्योंकि ब्रिटेन में कौन की डिमांड ज्यादा थी इसलिए यूरोप, रशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर इन्होंने बोला हम लोग अब बहुत ज्यादा क्या करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज्यादा खेती बाड़ी करेंगे। क्यों? ताकि हम कॉर्न उगाएंगे, और कॉर्न उगा के कहाँ भेज देंगे, ब्रिटेन में भेजेंगे जहां पर इसकी डिमांड बहुत हाई है। क्लियर है? अब जब खाने की डिमांड बढ़ी तो खाने की डिमांड ने सिर्फ एग्रीकल्चरल चीजों पर क्या फर्क पड़ा, सिर्फ एग्रीकल्चर पे फर्क नहीं पड़ा, इंडस्ट्रीज से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो रेलवे सर्विसेज जरूरी थी ताकि एग्रीकल्चरल रीजन को आप कैसे कनेक्ट कर पाओ, पोर्ट से, क्योंकि अब आपको क्या करना है, पास के गांव से खरीदा हुआ कॉर्न नहीं खाना है, हमारे लिए कॉर्न कहाँ उग रहा है, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, अमेरिका, ऐसी जगहों पर। तो ऐसी जगहों पर जो एग्रीकल्चरल रीजन थे उनको कहाँ से कनेक्ट करना जरूरी था, पोर्ट से। पोर्ट बनाने के लिए आपको नए हार्बर्स डेवलप करने थे, पुराने हार्बर्स को क्या करना था,
रिकंस्ट्रक्ट करना था, नए नए कार्गोज बनाने थे। अब ये सब करने के लिए लोगों की भी जरूरत पड़ रही थी, है ना, चाहे आपको एग्रीकल्चरल रीजन में एग्रीकल्चर लेबर की जरूरत थी, रेलवे लाइंस में लोगों की जरूरत थी, पोर्ट्स और हार्बर्स में क्या थी, लोगों की जरूरत थी। तो ये सारी एक्टिविटीज में लेबर की भी जरूरत थी और कैपिटल, पैसे की भी जरूरत थी, जो अब कहां से आ रहे थे, उसी जगह की विसिनिटी से नहीं आ रहे थे, दूर से भी आ रहे थे। आ रही बात समझ में? द डिमांड फॉर लेबर इन प्लेसेस वेयर लेबर वॉज इन शॉर्ट वॉज फ्रॉम अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो बहुत सारे बंदे जिनको अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में काम नहीं मिल रहा था, वो दूसरी जगह पे काम करने जा रहे थे। नियरली 50 मिलियन पीपल वेंट एमिग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, एग्रीकल्चर एक्सपांड हो रहा था, पोर्ट सिटीज से लिंक करना था रेलवेज को, हार्बर्स डेवलप करने थे, तो इन सारी चीजों को लोगों को क्या मिल रहा था, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। क्लियर है? ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें हुई थी, लेबर चेंज हुआ था, कैपिटल चेंज हुआ था, इकोलॉजी भी चेंज हुई थी और टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई थी। फूड रिक्वायरमेंट पास के विलेज से नहीं होती थी बट थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे से होती थी। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है ब्रिटिश डिमांड जो था, ब्रिटिश का खाना कहाँ से आता था, यूरोप, रशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अब वर्क जो था, अब एग्रीकल्चरल वर्कर खुद काम नहीं करता था, मतलब जो इसका लैंड है वो खुद काम ना कर कर क्या करता था, बहुत सारा लेबर हायर करता था। और ये लेबर भी जरूरी नहीं है क्या कि आसपास के गांव से आ जाए, ये भी हो सकता है किसी दूसरे देश से आ रहा हो। आपने जो फार्म बनाया है ये शुरू से फार्म नहीं था, आपने इस इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को मीट करने के लिए क्या किया है, फॉरेस्ट काटी है और फार्म क्रिएट करा है। इज दैट क्लियर? इंडिया में ब्रिटिशर्स ने क्या करा था एग्रीकल्चर एक्सपांड करने के लिए, तो उन्होंने इरिगेशन कैनाल्स बनाए थे, सेमी डेजर्ट वेस्ट लैंड को फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड में क्या करा था, कन्वर्ट करा था, कैनाल कॉलोनीज बनाई थी, यानी कि ऐसी कॉलोनीज या ऐसे रीजन्स जहां पर इरिगेशन बढ़िया है, बस आप तो क्या करो, कुछ ना कुछ ग्रो करो। और उन्होंने पीजेंट्स को भी रीसेटल किया था ताकि वो क्या कर पाए, काम कर पाए।